तो देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। पति और पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन 7 जन्म तो दूर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर की एक पत्नी ने 1 जन्म में ही उस रिश्ते का कत्ल कर दिया। एक साधारण सा परिवार जिसके घर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रोज बात ऐसी बिगड़ी कि नौबत जान लेने देने तक किया गया। पत्नी की ओर से गुस्से में ऐसा कदम उठाया गया जिसके बारे में जिसने भी सुना वो सन रह गया। दरअसल पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, फिर अचानक पति एक दिन लापता हो गया। घबराई पत्नी ने फौरन पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई। इस बीच पति का भाई भी परेशान था और वो लगातार अपने लापता भाई की तलाश में लगा रहा। वो अपने भाई की पत्नी से भी जानकारी हासिल करना चाहता था, लेकिन हर बार वो महिला पति के भाई को कोई जवाब नहीं देती। यहाँ तक कि पति के भाई को घर में घुसने तक नहीं देती। भाई को इसी बात को लेकर शक हुआ। इस तरह से करीब 1 महीने का वक्त बीत गया और लापता शख्स का कोई सुराग नहीं मिला। एक रोज लापता शख्स का भाई कुछ लोगों के संग अपने भाई के घर पहुंचा और उस दिन लापता शख्स की पत्नी ने खूब हंगामा किया। मशक्कत के बाद जब लोग अंदर दाखिल हुए तब हुआ सबसे बड़ा खुलासा। पत्नी ने अपने ही पति का कत्ल करके उसे घर के अंदर दफना दिया था। और तो और वो हर रोज अपने पति के कब्र के ऊपर खाना बनाती थी। दिनांक 22/10/2019 को ये मोहित बनावल जो वकील है ये कहीं लापता हो गया था, तो इसकी रिपोर्ट इसकी भाई संतलाल ने आके थाने पर रिपोर्ट कराया था कि 22 तारीख को दोपहर 10 बजे से हमारा भाई कहीं चला गया है। तो उस पर से हमने गुम इंसान कायम किया है। गुम इंसान पर से हमने जांच किया, इश्तहार जारी कराया, उक्त गुमशुदा का मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल भी के लिए भी हमने साइबर सेल को भेजा। ये उन्होंने शंका जाहिर किया था। उस पर से क्या है ये पॉइंट हमको जानकारी मिली और उसके बाद उसकी पत्नी ने भी स्वयं फ़ोन ये लगाया वहाँ पे 100 डायल पे कि मेरे को यहाँ पे लोग बाग इकट्ठे होकर के मारपीट कर रहे हैं, इस टाइप की बात थी। तो राजेंद्राम थाने से 100 डायल आया था और 100 डायल आकर के फिर उसको पूछताछ के लिए हमने पूछताछ किया तो फिर उन्होंने ये घटना को बताया। पुलिस के पूछताछ में आरोपी पत्नी ने कबूल किया कि हाँ कत्ल उसी ने किया है और बचने के लिए पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन एक खुलासा और किया। पत्नी ने आरोप लगाए हैं कि इस वारदात में उसका साथ किसी और ने भी दिया था। वो नाम किसी और का नहीं बल्कि मृतक के बड़े भाई का था। पत्नी ने खुलासा किया कि उसके पति और उसकी भाभी के बीच नाजायज रिश्ते थे। इस बात की खबर उसे भी थी और उसके भाई को भी, इसलिए बदले की भावना से दोनों ने मिलकर उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। 21 तारीख को मेरी जेठानी के साथ मेरे पति का नाजायज संबंध था, तो मैं भी देख डाली थी और इनको भी पता चल चुका था। तो उसी की वजह से मतलब मेरे को आकर घर में मैं उतना देखी भी तो मैं अपने पति से मतलब कुछ नहीं बोली हूँ कि आखिर मैं कुछ बोलूँगी तो मेरे को उल्टा मार पड़ेगा, इस करके कुछ नहीं बोलूँ सर। तो फिर मेरे को बोले मैं मतलब आए तो मैं उनको गंजी दी हाथ धुलने के लिए और पानी भी दी हाथ धुले और मतलब भाजी बनाई थी, भाजी और भात बनाई थी, चार राई का भाजी, तो आधा खाना खाए थे आधा खाना नहीं खाए थे। उसके बाद फिर मेरे को बोलने लगे कि सुनीता इसको तुम मोबाइल को चार्ज में चढ़ा दो, ऐसे करके मतलब बोले। तो चुपचाप उसको उठाकर मतलब मैं चार्ज में रख दी, उस दिन लाइट नहीं था सर। फिर उसके बाद फिर मैं भी बोली कि तुम भी तो हो इतने सब लोग, एक तो मतलब चिल्लाई हूँ और मतलब बहुत चिल्लाई हूँ मैं सर, सुने होंगे तो नहीं सुने हो मैं ये नहीं जानती, बहुत मारे भी हैं वहाँ। फिर मेरे को घर मतलब वहाँ से ला कर यहाँ मैं पकड़ भी ली रही कि मत मारो ऐसे करके। तो फिर ला के फिर मेरे को पूरा दांत वात भी तोड़ दिए हैं, पूरा गला वाला दबा रहे थे, खून खून भी मैं उल्टी भी हुई हूँ। वहीं भाई की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सरासर गलत है, फंसाने के लिए माया जाल बुना गया है। मतलब ये कि 22 तारीख से दिखाई नहीं दिया, तो फिर हम लोग पता कर रहे थे कि कहीं रिश्तेदारों में होगा, ऐसे करके संदेह में रहे, पता करते रहे। फिर कहीं भी कोई भी रिश्तेदारों से पता नहीं चला, तो फिर मैं अपने
पत्नी को बोला कि उस मोहित के पत्नी को बोलो कि वो भाई इतना दिन हो गया पता नहीं चल रहा है, तो जाके उसका रिपोर्ट वगैरह सूचना दें थाना में। तो 22 तारीख का घटना है, वो 11 तारीख को फिर हम बोले हैं, तो वो जाके फिर वो वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई है। सच्चा कौन और झूठा कौन, ये अभी भी एक अनसुलझी पहेली है और पुलिस सुलझाने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ रही है।